हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के बिल्कुल ही 6। आप सबको दिखाते हैं दोस्तों, देखिए एकदम कुहासा ही कुहासा है चारों तरफ। और ये देखिए सुबह ही आप जो देख रहे हैं ना हमारे घर का बछड़ा, हाँ देखिए उसका पानी दिखाते हैं। देखिए जो बोलते हैं ना वो सुंदर भी दिख रहा है ना, ये देखिए। सबसे पहले जो है ना बछड़ा को हम लोग देखते हैं, बछड़ा का है इतना आवाज कर रहा है। और हमारा घर का सभी बच्चा उठ गया है दोस्तों, क्योंकि दो दिन बाद है सरस्वती पूजा ना, तो सारे बच्चे लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए है ना। तो सबसे पहले आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अभी दो दिन सरस्वती पूजा है और मौसम है कुछ बहुत ही बढ़िया। बाद हमारे घर में एक प्रोग्राम भी होने वाला है। मतलब सरस्वती पूजा का भी दिन है और एक प्रोग्राम भी होने वाला है, तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इस संडे में हम लोग कुछ करना चाहते हैं स्पेशल, तो संडे का दिन है तो दोस्तों एक दिन हम लोग को अच्छा परिवार के साथ खाने का समय मिलता है। तो सबसे पहले आज एक हमारे गांव के बगल में ही जो है ना मछली पकड़ाया है, आज पकड़ा रहा है। हाँ, अच्छा। बड़ा तालाब जो है ना उसमें मछली पकड़ा रहा है, तो थोड़ी सी दूर है घर से, तो हम जाएंगे और मेरा एक दोस्त लोग बुलाए कि हम भी जाएंगे, तो हम लोग सब जाके मछली लेके आएंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा मछली है जी। हाँ सही में, एक मछली 3 किलो 4 किलो का मछली सरस्वती पूजा से पहले ही पकड़ा। प्यार लाड करो, लाड करो। अरे रे 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 अरे लाड कर रहा है दोस्तों। देखिए अब मेरा छोटा बाबू भी उठ के आ गया। ए छोटा बाबू, थोड़ा प्यार करो तो। काला गाय नहीं आएगा बेटा, इसका जो कुमार है ना वो काली रंग की है, तो ये बोलता है काला गाय खूंखार गाय। तो अब मछली लेने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही ताजा ताजा मछली मिलता है। यहाँ से काफी दूर है, 2 किलोमीटर है, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जाता है, समझा ना। आपके साथ आपके फ्रेंड लोग भी जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं, विजय जयराम सब है। अच्छा। हम लोग जा रहे हैं मछली लाने के लिए, ठीक ना। तो क्या कतला लाए की रुई लाए? कतला मत लाइए, रुई। बेटा हाँ, फिश खाएगा बुग्गू? फिश खाए? स्टाइल देखिए, स्टाइल देखिए। चलिए दोस्तों सीधा आप सबको लेके चलते हैं तालाब। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं तालाब तक, थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप सबको दिखाएंगे कि हमारे गांव की मतलब लोग कैसे खेती करते हैं। थोड़ा सा ये पुराना खेत है, देखिए ये सब में खेत है, और अभी लगाए हुए सब गेहूं। देखिए कितना सुंदर गेहूं लगाए हुए हैं, देखिए आप सब देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से दूर दूर तक गेहूँ लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। और चलिए इस गेहूँ की खेती को पार करने के बाद हम लोग मिलेगा तालाब। सो देखिए मेरे साथ आए हुए हैं विजय भाई, वो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं है ना, देख देख के जाना पड़ रहा है। देखिए ये कांटा वगैरह दे देते हैं बैर का, इसलिए थोड़ा देख देख के जाना पड़ता है। हम लोग शॉर्टकट में जा रहे हैं तालाब, देखिए यहाँ से दूर में तालाब दिख रही है, वो जो ताल के वृक्ष है ना वो सब है तालाब। तो सो चलते हैं दोस्तों। ভালো আছো? মাছ ধরতে মাছ আনলি রে বাপ, বলি মাছ কিরকম এত পাওয়া আছে লিব। सबको दिखाए हम कि मछली गुंजा रहा था वहाँ, किस प्रकार से चारों आदमी लोग गांव के लोग खुशी उत्साह में थे, मछली गुंज रहे हैं एक साइड में, एक साइड से मछली पकड़ा रहे हैं। देखिए इस साइड में मछली पकड़ा रहे हैं तालाब में। और एक चीज़ आप सबको दिखाते हैं कि तालाब में मुलोन जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप लोग क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, कैसे यहाँ की माताएँ औरत लोग उसको निकाल रहे हैं ज़मीन से। देखिए यहाँ सबसे निकलता है तालाब का, ठीक, निकाल रहे हैं। और इसी को सब्जी भी करते हैं आदमी ले जाके घर में, सब्जी बना के खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। अभी इन लोग से थोड़ा ये खोजते हैं, देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मुलोन, ठीक है, ये ज़मीन से निकाला जाता है और इसको सब्जी भी बनाकर खाते हैं। देखिए ये चीज़ है, ठीक है, तो हम भी अभी खाएंगे, पहले इसको रखते हैं और देखते हैं। ये मछली पकड़ा रहा है, देखिए चलिए वहाँ आप सबको दिखाते हैं। कल 12-14 क्विंटल बाबा रे, आज याद है काटे देवी जी, माथे साइज तो पता चली है। एडे এখন কত মাছ আছে রে? 2 কুইন্টাল বাবা রে, বিরাট সাইজ আছে রে বাবা। তো একটা বড় 30 ধরে লে, এই একটা বড় লেন হ্যাঁ চলি
কি কইও টান টান ঘোষণাই ঘোষণাই ঘোষণা ঘোষণা আগু লাগি দিছো ওরম চল গা হ্যাঁ মই গেল দেখাইছো সাদালা হু ওই লাগে লিবে আমা মিছিল নে ঘুরা ঘুরা মাস ঘুরা বাহ ফার্স্ট ক্লাস চিও কটওয়াঙ্গে কিন্তু কটওয়ানে জগা নেই থা ठीक है तो अभी इसका वजन भी करेंगे कि कितना हुआ है कितना नहीं। ये देखिए सारा मसाला को एक प्लेट में निकाल दी है इसमें नमक और, है और इसमें हम अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना के लाए और यहाँ तेल डाल दिए कढ़ाई में छानने के लिए है ना। मिर्चा डाल दे रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा तीखा बनाते नहीं है अलग से डाल दिए हाँ। और जब ये एक बार उबल जाएगा तो उसके बाद इसमें सारा फिश को डाल देंगे तो दोस्तों सारा फिश हम लोग ग्रेवी में डाल दिए हैं और बस ये उबल ही चुका है अब हम लोग इसको उतार देंगे गैस बंद करेंगे तब तक तो दोस्तों आशा सुबह से शाम तक काम की और फाइनली हम लोग का फिश फ्राई बन के तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया ग्रेवी दिख रही है आप देखते हैं खाना खा के चलिए बैठते हैं खाना खाने। सो दोस्तों खाना वाना बन गया है और अभी देखिए आरब भी काफी खुश है क्योंकि इसको मछली बहुत पसंद है। छोटा बाबू को भी दिखाइए छोटा बाबू भी बहुत पसंद है वो भी मछली खाने में फिश खाएगा ना बेटा आ देखिए कैसे फिश खा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मौसम अच्छा है आप भी घर में अच्छा अच्छा खाना बना के खाइए अच्छा अच्छा रेसिपी बना के खाइए जिससे आप सब भी अपने परिवार के साथ खुशहाली रहिएगा। और हम भी अभी खा रहे हैं चावल और मछली और आरब भी खा रहा है छोटा बाबू भी मेरा खा रहा है ना छोटा बाबू भाई का कॉपी करता है विजय ऐसे खाते हैं ना इसलिए भी ऐसे खाते हैं बैठ के खाने के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हम विजय जैसा ही खाएंगे चलिए अच्छी बात है बहुत अच्छे टेस्टी है दोस्तों। सो बाय बाय मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों बहुत ज्यादा कीजिएगा बहुत ज्यादा बाय 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 बाय।